गुरुद्वारे में खुलेआम सनी देओल ने किया अमीषा पटेल को किस, जिस पर लोगों का फूटा गुस्सा, मच गया है बवाल। आइए जानते हैं इस किस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या है पूरी खबर। बॉलीवुड स्टार सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर एक बार फिर से सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और फिल्म आज रिलीज होने वाली है। फैंस इसे देखने के लिए काफी बेताब है। बता दें कि गदर 2 भी इस साल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। सनी देओल और अमीषा पटेल इस मूवी की शूटिंग कर रहे है। गदर 2 के सेट से कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिन्हें देख फैंस का बस काफी ज्यादा हाई था। इसी बीच सनी देओल और अमीषा की फिल्म गदर 2 विवादों में आ गई है। दरअसल हाल ही में पंचकुला के MDC स्थित गुरुद्वारा श्री खुबनी साहिब में गदर 2 का एक सीन फिल्माया गया था। इसमें सनी देओल और अमीषा पटेल एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले थे, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी पर अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राज जताया है। LGPC ने सनी के साथ साथ फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। गुरुद्वारा श्री खुबनी साहिब की मैनेजमेंट में इस बारे में अपनी चुप्पी तोड़ी है और फिल्म के मेकर्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। मैनेजमेंट ने इस बारे में कहा, गदर 2 की टीम शूटिंग के लिए यहाँ आई थी, सभी ने उन लोगों का स्वागत किया था। अब एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें गुरुद्वारा साहिब में बॉलीवुड एक्टर ने अश्लील हरकत की है। इस घटना से उन्हें काफी तकलीफ हुई है। बताते चले कि सनी देओल की गदर 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस मूवी का अच्छा खासा बज बना हुआ है। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि साल 2001 में रिलीज हुई गदर ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब देखना ये है दिलचस्प कि गदर 2 कैसा परफॉर्म करती है और कैसे रिस्पॉन्स मिलते हैं गदर 2 के लिए। फिलहाल आप बताएं इस कॉन्ट्रोवर्सी पर आपके क्या है बयान इन द कमेंट सेक्शन।